हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अर्बन गबरू हेयर रिमूवल स्प्रे का। और आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यह स्प्रे कैसे काम करता है, कितना फायदेमंद है, क्या यह स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट भी छोड़ता है, इसकी प्राइस, पैकिंग, इस्तेमाल कैसे करना है, सब तरह की जानकारी आपको इस रिव्यू में देखने को मिलेगी। तो इस ऑनेस्ट रिव्यू की हम शुरुआत करते हैं। जो पुरुष होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या रहती है चेस्ट हेयर की, जो लेडीज होती है उनमें खास करके जो बॉडी हेयर की समस्या रहती है, लेकिन अर्बन गबरू एक मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है तो इसने चेस्ट हेयर को लेकर टारगेट करके इस स्प्रे को उतारा है, स्प्रे क्रीम को उतारा है। तो चेस्ट हेयर की समस्या रहती है, वैसे हैंड्स और लेग्स के ऊपर भी रहती है, लेकिन चेस्ट हेयर को उतारना मोस्ट ऑफ दी जो है वो मेंस आते हैं। तो अर्बन गबरू ने हेयर रिमूवल जो ये क्रीम स्प्रे है ये उतारा है चेस्ट के हेयर को लेकर। तो वीट की बात करें तो वीट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा हेयर रिमूवल क्रीम्स में से बिकने वाली जो क्रीम है वो ये वीट रहती है। तो रेजर को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इरिटेशन देता है, जो लोग है वो मोस्ट ऑफ दी जो मेंस क्या करते हैं रेजर को इस्तेमाल करते हैं चेस्ट हेयर को रिमूव करने के लिए, जो कि बाद में इरिटेशन छोड़ता है, स्किन के ऊपर की लेयर है वो उतार लेता है। तो इसी को टारगेट करके अर्बन गबरू ने ये हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे है वो उतारा है। ऐसे ट्रिमर की सहायता से भी आप है वो चेस्ट हेयर को रिमूव कर सकते हैं, वह सबसे बढ़िया मेरे ओपिनियन में तरीका रहता है, जो कि इरिटेशन नहीं देता और इसके अलावा जो है वो केमिकल वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करने पड़ते। तो इस हेयर रिमूवल स्प्रे की बात करें तो 750 रुपये इसकी प्राइस देखने को मिलती है, MRP 600 रुपये में आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है। मैंने इसको 600 रुपये में खरीदा है, 750 रुपये MRP के हिसाब से बात करें तो मैं इसको ओवर प्राइस बोलूंगा, क्योंकि 2-3 बार पूरी तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो यह खत्म हो जाता है। तो 200 से 250 रुपये एक बार में हेयर रिमूव के लिए जो है वो देने पड़ते हैं, तो यह महंगा रहेगा। इसकी बजाय आप वीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम तरीके का जो हेयर रिमूवल है वो देखने को मिलता है, सुगंध भी इसकी सेम देखने को मिलती है। तो अफोर्डेबल मैं इसको नहीं बोलूंगा, मार्केटिंग इसकी बहुत ज्यादा की गई है कि यह हेयर रिमूवल स्प्रे इजी टू यूज है, लेकिन इसमें प्राइस है वो ओवर प्राइस मैं इसको बोलूंगा। इंग्रेडिएंट की बात करें तो ऊपर हाईलाइटेड है एलोवेरा और लेमन एस्टेड, लेकिन अगर बात करें कि एलोवेरा और लेमन एस्टेड की, तो ऐसे इंग्रेडिएंट से कभी भी हेयर रिमूव है वो नहीं होते, केमिकल का यूज करना ही पड़ता है। तो केमिकल का इस्तेमाल इसके अंदर भी किया हुआ है, ऐसे ही हेयर रिमूवल है वो नहीं होता। हाउ टू यूज की बात करें तो जहां पर भी आपको हेयर रिमूव करना है वहां पर जो है वो बॉडी से 10 सेंटीमीटर दूर इस स्प्रे को पकड़ना है, स्प्रे को करना है, 6 से 8 मिनट आपको इसको रखना है, फिर टिश्यू पेपर या फिर कपड़े की सहायता से रिमूव कर देना है, बाल उतर जाते हैं। अगर आप वीडियो में देख पाना चाहते हैं तो कैसे यूज करना है या फिर कैसा इसका रिजल्ट रहता है तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जब आप इसको लगाएंगे तब आपको थोड़ा बहुत नीचे चुभन है वो स्किन में फील होगी, जलन फील होगी, आफ्टर यूज भी जलन फील होगी, यह मोस्ट ऑफ द लोगों को फील होता है। फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ठीक ठाक मैं बोलूंगा, वीट जैसी ही फ्रेग्रेंस है, तो सबके लिए इरिटेशन नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को होता है। तो आप पेस्ट टेस्ट है वो कर सकते हैं, कुछ छोटे स्किन के हिस्से के ऊपर लगा कर देखें, फिर आपको इरिटेशन महसूस नहीं होता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है लेकिन मैं इसको अफोर्डेबल नहीं बोलूंगा। दूसरी बात, जलन होती है तो मैं आपको इसको सबके लिए वो रिकमेंड है वो नहीं करूंगा। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स एक ही देखने को मिलता है, हेयर रिमूव हो जाता है इजी तरीके से। तो इजी तरीके से हेयर रिमूव को लेकर ही, चेस्ट हेयर रिमूव कर लेकर ही यह ब्रांड है वो मार्केट में आया, बहुत ज्यादा ये बिका क्योंकि इजी टू यूज है। बाकी ओवर प्राइस मैं इसको बोलूंगा और एक जलन फील होती है तो मैं इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। इसकी बजाय आप वैक्स इस्तेमाल करते हैं तो बेटर रहेगा, या फिर ट्रिमर की सहायता से आप बाल को रिमूव करते हैं तो बेटर रहेगा। ट्रिमर की सहायता से कुछ इरिटेशन नहीं होता, बिना खर्चे में हो जाता है। बाकी अगर वैक्स की बात करें तो वैक्स का जो इस्तेमाल करके बाल रिमूव होते हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं आते हैं बजाय कि वीट या फिर इस हेयर रिमूवल स्प्रे के। तो टाइमिंग के हिसाब से देखें तो वैक्स है वो बेटर रहती है, लेकिन अगर इजी टू यूज देखें तो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो 5 out of 5 points नहीं दूंगा, 3.5 out of 5 मैं इसको पॉइंट दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बढ़िया वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।